अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आज हम बनाएंगे शलजम गोश्त। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और हेल्दी भी है और झटपट होती है रेसिपी। ये मेरे पास हाफ के जी मटन है, इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके रखी हूँ। और 300 ग्राम हमने शलजम लिए हैं, इस तरह हमने कट करके रखे हैं। और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, 2 बड़ी प्याज है, इसको भी हमने इस तरह से कट लगा के रखे हैं। 1 एंड हाफ टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा इसमें। 1 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी है। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टी स्पून चीनी पाउडर, 1/2 टी स्पून हल्दी है और 1/2 टी स्पून गरम मसाला। और इसमें हम 3 ग्रीन चिली लेंगे, थोड़ा हरा धनिया, थोड़ा पुदीना, और इस तरह के हमने अदरक को पतले कट लगा के रखे हैं। और इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल जाएगा और नमक अपने हिसाब से लेंगे। अभी हम शुरू करेंगे। ये आप देख सकते हैं, मैंने ये बर्तन रखी हूँ, इसमें इस दालचीनी का टुकड़ा और 2 तेज़ पत्ता डालूंगी। और साथ ही मैं इसमें प्याज डालूंगी जो बारीक कट करके रखी हुई है। प्याज हल्की गुलाबी हो गई है, अभी इसमें हम गोश्त डालेंगे। गोश्त का भी कलर चेंज हो गया, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह इसमें मिक्स करेंगे। हमने अदरक लहसुन डाल के इसको अच्छी तरह भून लिए। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। अब इसके अंदर धनिया, हल्दी और मिर्ची पाउडर, ये तीनों को हम शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और नमक भी डालेंगे। अभी इसको मैं 2 मिनट के लिए कवर करके इसको इसी तरह कुक करूंगी। अब हम चेक करेंगे, 2 मिनट हो गए। ये इसमें मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हम 1.5 से 2 गिलास पानी ऐड करके इसको कुकर को हम 4 सीटी आने तक इसको गलाएंगे। मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड किया हूँ। अब हम चेक करेंगे। ये गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। ये गोश्त देखो, हड्डियों से अलग हो चुका है, ये गल गया है। अब इसमें हम शलजम ऐड करेंगे। इसमें ग्रीन चिली भी ऐड करेंगे और इसको हम कवर करके 2 मिनट पकाएंगे। जब शलजम गल जाएगा, ये शलजम अच्छी तरह गल चुके हैं, नरम हो गए। अभी इसमें हम मसाला डालेंगे, गरम मसाला और कस्तूरी मेथी, ये दोनों को हम इसमें डालेंगे। मसाला डाला है कस्तूरी मेथी, गरम मसाला, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिए। अभी हम इसमें हरा धनिया और अदरक के पीसेस है वो डालेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। और ये हो गया है रेडी, आप देख सकते हैं। आप इसमें ग्रेवी और भी रख सकते हैं। अभी हम सर्व करेंगे। ये हमने सर्व किए, बहुत अच्छा बना है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ खा सकते हैं और बहुत टेस्टी होता है ये। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।